हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अशोक एक्वाफिश। और दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक नए स्पीसीज के ऊपर। ये देखिए कैटफिश का वीडियो, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जिसको टिग्रिनस जेब्रा सोबेलनोस या फिर रॉयल सोबेलनोस, कहीं पे टाइगर स्ट्राइप कैटफिश भी कहा जाता है। ये जनरली साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन, वहाँ के स्पीसीज है, वहाँ अवेलेबल है ये फिश। और ये वाइल्ड कॉड है, इसके लिए ये जो फिश है इसका जो ब्रीड है वो कैप्टिव में नहीं होता, कैप्टिव ब्रीड नहीं होता इसका। इसके लिए ये कैटफिश का जो प्राइस है वो भी मार्केट में दूसरा सारा कैटफिश से थोड़ा ऊपर है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई सोच रहे हैं कि ये कैटफिश को मुझे लेना है, मुझे रखना है, तो आप एक पीस कैटफिश अपने टैंक में ऐड कर सकते हैं, अपने मॉन्स्टर टैंक में, या फिर तीन या चार, दो फिश मत रखिए एक साथ, दो कैटफिश, क्योंकि सेम स्पीसीज में दे बिकम एग्रेसिव। इसीलिए हम लोग ये टैंक में देखिए बहुत सारा कैटफिश छोड़ के रखे हैं, राइट। लगभग 5 से 6 फीट का टैंक देना अच्छा रहेगा ये कैटफिश के लिए। 4 फीट का भी आप टैंक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टैंक में इसका जो लेंथ है लगभग 2 से 2.5 फीट का टैंक में ही हो जाएगा। ये वाइल्ड में तो और भी बड़ा होता है, तो जब भी आप इसको रखने का सोच लेंगे, दैट यू विल डिसाइडेड दैट आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर फिश। सो टैंक का जो लेंथ है, जो साइज़ है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेकोरेशन के बारे में हम लोग अगर बात करें, आप लोग बॉगुट दे के रख सकते हैं या डेड रॉक दे के रख सकते हैं, सैंड या बियर टैंक भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसको प्लांटेड में डालें तो कैसा रहेगा, तो वो डिसीशन एकदम गलत रहेगा। जूरियन से कैटफिश भी है जो लगभग इसी का तरह दिखता है, जिसको फॉल्स टिग्रिनस कहते हैं। तो अब जब भी ये खरीदेगा जेब्रा सोबेलनोस, तो ज़रा ध्यान रखिएगा आप गलती से जूरियंस ना खरीद लें। ये नॉक्टर्नल नेचर का फिश है जो रात को एक्टिव होता है और दिन को डे लाइट में इनएक्टिव। डे लाइट में आप देखिएगा उतना इसको एक्टिविटी नहीं करेगा ये। तो कभी भी अगर दिन को ये खाना नहीं खाता है तो डोंट गेट वरीड, वो फीडिंग वो रात को कर लेगा, अगर आप रात को भी थोड़ा खाना दे के रखते हैं। फीडिंग में ये लोकल स्विम या ब्लडोम्स या फिर जो फीडिंग गप्पी है वो आप ट्राई कर सकते हैं, ये आराम से वो फीड कर लेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं और एक बार बता देता हूँ, आप अगर ये जेब्रा सोबेलनोस रखना चाहते हैं तो उसका जो वैरायटी को और कौन कौन सा वैरायटी वो टैंक में आप ऐड कर पाएंगे। स्टिंगरे ऐड कर पाएंगे, एरोना, पिकॉक वास, पैरोट, ऑस्कर, ये सारा वैरायटी आप ऐड कर पाएंगे। और भी अगर डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ हम लोगों को यूट्यूब में आप कॉमेंट्स बॉक्स में जाके कॉमेंट्स कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी और भी सारा वीडियो आपके लिए अशोक एक्वा की तरफ से हम लोग ज़रूर बनाएंगे। थैंक्स यू ऑल।